ब्राजील में 8 जनवरी को हुए दंगों की जांच में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो का नाम भी शामिल कर लिया गया है। इसकी इजाजत वहां की सुप्रीम कोर्ट ने दी है। यह पहली बार है कि दंगों के संभावित जिम्मेदारों में बोल्सनारो का नाम सामने आया है। बता दें कि 8 जनवरी को ब्राजील की राजधानी ब्रिसलिया में बोल्सनारो के हजारों समर्थकों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में भारी तोड़फोड़ की थी। उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे थे। घटना में करीब 1,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये सब नए राष्ट्रपति लुड़ा दा सिल्वा के शपथ ग्रहण समारोह के एक हफ्ते बाद हुआ था।